जहां पना, ये बताइए हम जहां कहां रहे हैं? आपको पता है बलदेव कि हमारी सल्तनत कितनी फैली हुई है? क्या बहुजूर, आपको खुद नहीं पता कि आपकी सल्तनत कितनी फैली हुई है? पता नहीं राज कैसे करते हैं। मुझे पता है बुबू, कि मुझे नहीं पता कि हमने भेस क्यों बदला ये सब। हम अपने आवाम से जानना चाहते हैं कि वो हमारी हुकूमत में खुश है या नहीं। अब अगर हम बादशाह बन के जाएंगे तो वो हमारे आगे सहम जाएंगे, हमसे बात भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम भेस बदल के जा रहे हैं ताकि वो हमसे खुल के बात कर सके। ओहो, वो देखिए वहां पर एक आदमी है, हम उससे जाकर बात करेंगे। आप लोग यहीं पर रुकिए, ये काम हम पर छोड़ दीजिए। ओ भाई साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। आपके इस राज्य में क्या है? क्या कुछ है? नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे। अरे जाओ यहां से, काम करने दो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं समय व्यर्थ करने के लिए। अरे इतना गुस्सा होता है। और भी देखिए, एक और आ रहा है, उससे पूछते हैं। अरे रुके भाई साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ, पहले एक गट्ठर पकड़ियो। हम पकड़ लेते हैं। हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अरे गट्ठर हिल रहा है, आराम से भाई, आराम से पकड़ो। हम ठीक से पकड़ रहे हैं, आप बताइए। अरे क्या गट्ठर पकड़ना नहीं आता है आपको? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम खुद एक गट्ठर हो। इसे अपने मोटे पेट को देखो, ऐसा लगता है 4-5 गट्ठर तो इसमें ही भरे पड़े हैं। अरे ठीक से गट्ठर पकड़ना नहीं आता है? अरे नहीं पकड़े जिंदगी में गट्ठर, हमको नहीं आता है गट्ठर पकड़ना, कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहीं रख दीजिए। हमारी बैलगाड़ी आ गई है, हम जा रहे हैं। जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, हम पूछना चाह रहे हैं। फिर मिलेंगे तो फिर पूछ लेना। अरे अच्छा चलो, लेकिन क्यों मिलेंगे हम आपसे, कब क्या? लोग इतना जल्दी पे क्यों रहते हैं हमारे राज्य में? अरे क्या हुआ जापना, कुछ पता चला? हाँ, हमें ये पता चला कि हमें गट्ठर उठाना नहीं आता। अरे तो मुझसे पूछ लिया होता ना बुबू। मुझे पता है, गट्ठर को हमेशा हाथों से ही उठाया जाता है बुबू। और अगर हाथ काट दिए जाए तो कैसे उठाया जाता है? अरे सलीम भाई, जवाब दो। चलिए थोड़ा और अंदर गांव में चलते हैं, और कुछ लोग मिल जाएं, किसी के घर में जाकर पता करते हैं। आइए आइए, मायूस नहीं होते जिंदगी में, मायूस नहीं होते। सही कह रहे हैं, कोशिश करते चलिए। आइए आइए, वो देखिए वहां पर कोई है, हम पूछते हैं। नमस्ते भैया, हम क्या है कि दूसरे गांव से आए हैं आपके इस नगर का भ्रमण करने। तो मैं क्या करूं? नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ की व्यवस्था कैसी है। अरे क्या खाक व्यवस्था है, सुबह से एक रस्सी ढूंढ रहे हो तो मिली नहीं। नहीं नहीं, हम आपके घर की व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपके इस राज्य की व्यवस्था कैसी है। अरे भाई, जब घर की व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो राज्य की व्यवस्था अच्छी होगी। ये बात बादशाह को सोचनी चाहिए कि नहीं, है कि नहीं है? अरे लेकिन आपके बादशाह को आपके घर की व्यवस्था के बारे में कैसे पता होगा? अरे एक बादशाह का कर्तव्य है कि वो अपने नागरिक की हर एक परेशानी को दूर करे, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं सुबह से परेशान हूँ, मुझे अग्रसी नहीं मिल रही है और बादशाह को फिक्र ही नहीं है, है? तो आप क्या चाहते हैं कि बादशाह यहाँ पर आके आपकी रस्सी आपके साथ ढूंढे? अरे वो कहाँ आएंगे, उन्हें अपने महल का ऐसो आराम से फुर्सत मिले तभी तो दुखियारी जनता का हाल जानने आएंगे। आपके कहने का मतलब है कि आपके बादशाह को अपनी आवाम, अपनी रियासत की कोई फिक्र ही नहीं है? अरे उन्हें तो बस अपनी ऊपर की कमाई की फिक्र है। ऊपर की कमाई? ये ऊपर की कमाई क्या होती है? आपको लगता है आपके बच्चे अपने महल की छत पे बैठ के सब्जियां बेचते हैं? अरे भाई तुम बहुत भोले हो, तुमको कुछ पता नहीं है।
बादशाह की जो है बड़े बड़े व्यापारियों के साथ साठगांठ है, तभी तो इतना महंगा हो गया। ये सब कपड़ा उपड़ा कहाँ से लाए तुम इतना महंगा कपड़ा? आपको ये सब बातें कैसे पता? मुझे सब अंदर की खबर है। आपको ये अंदर की खबर देता कौन है? अरे वो अपने, अरे रस्सी नहीं मिल रही अभी तक। अरे रस्सी को छोड़ो, हमें ये बताइए आपको ये सारी बातें कौन बताता है? अरे रस्सी कैसे छोड़ दे, मटका के तुम्हारे पजामे के नारे से बांधेंगे। अरे ओफो, हम आपकी रस्सी ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, रुकिए। शहजादे सलीम। हाँ। अरे मतलब सलीम गधे, सलीम गधे, गधे सलीम। अरे इनकी रस्सी खो गई है, जरा इनकी रस्सी इनको ढूंढ कर ला कर दीजिए। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, साथ में लेकर आए हैं इन्हें। बचपन के दोस्त? पर उम्र में तो आपसे काफी। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है कि हम वर्जिश बहुत करते रहते हैं, इसलिए हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। मतलब हमारी उम्र है ही नहीं, हम बहुत छोटे हैं। आप जाइए रस्सी ढूंढ कर लेकर आइए, जाइए जाइए। आप अब हमें ये बताइए कि रस्सी तो आ जाएगी, हमें बताइए कि ये सारी की सारी बातें जो आपको पता है हमारे राज्य, हमारे मतलब राज्य के बारे में, आपके रियासत और राज्य के बारे में, ये आपको कौन बताता है? अरे वो तो अपने कजरी लाल है ना, कजरी लाल भैया। बहुत विद्वान आदमी है। आज उनकी सभा है, आ जाना तालाब के किनारे तुम भी। कजरी लाल, ये लीजिए आपकी रस्सी। अरे वाह, मिल गई रस्सी। वाह, बहुत बहादुर नौजवान हो। शाही। वैसे एक बात बताओ, ये रस्सी कहाँ मिली? यही बगल में जो आपका कुआं है ना, वहीं पे फिजूल में एक बाल्टी के साथ बंधी हुई थी। हमने बाल्टी खोलकर कुएं में फेंक दी और रस्सी खोलकर यहाँ ले आए। अरे बेवकूफ, अब हम कुएं से पानी कैसे निकालेंगे? भाग यहाँ से। आ रहे हैं। पता लगाना होगा कि कजरी लाल है कौन। मुझे पता है कजरी लाल कौन है। कौन? अभी उस आदमी ने बताया ना कि कजरी लाल एक विद्वान है। क्या बुबू, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। बलदेव, चुप कर बेवकूफ। अरे चुप कर बेवकूफ। जा बना आज कजरी लाल की सभा है, चल के देखते हैं कि कजरी लाल चीज क्या है और क्यों ये हमारे ही आवाम को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। सभा, कजरी लाल की सभा। कुआं किस तरफ था? इस तरफ। तो फिर सभा इसी तरफ होगी, आइए। भाइयों, मैं तो आम आदमी हूं जी। इस बादशाह अकबर ने हम पर बहुत जुल्म किए, पर अब जनता जाग गई है, वो अब चुप नहीं बैठेगी। बादशाह अकबर को हमारे सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। भाइयों, अगर आप लोग मेरा साथ दो तो हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं तो आम आदमी हूं जी। इस बादशाह अकबर का नया फरमान आया है कि किसानों की जमीनें लेकर वहां शाही घोड़ों का अस्तबल बनाया जाएगा, और इतना ही नहीं, हमारे चूल्हे में काम आने वाले ईंधन, कोयला और लकड़ी, इनके दाम भी बढ़ाए जाएंगे। मुझे तो लगता है हमारे बादशाह भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट हैं। सही बोल रहे हैं। बीरबल की बुद्धि में भ्रष्टता भरी पड़ी है। सही बोल रहे हैं। तानसेन के सुरों में भ्रष्टता ही भ्रष्टता है। सही बोल रहे हैं। और तो और, वजीर आजम बलदेव की चोटियों में घोटाले भरे पड़े हैं। अरे मैं तो कहता हूं बलदेव की चोटियां काट देनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये सब के सब भ्रष्ट हैं। मैं तो आम आदमी हूं जी। बस बस बस, बहुत हुआ हमारी आवाम को भड़काने की कोशिश। बादशाह अकबर सही बोल रहे हैं। भागो, सर को गिरफ्तार कर लो इसे।
बुबू हम तैनिक तो लाए नहीं। अरे तो आपने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? नहीं बुबू हमने तो नहीं पहनी, हम किसी चूड़ी वाली औरत को बुला कर लाते हैं, वो पकड़ लेगी। अरे खुद गिरफ्तार करो तुम। अच्छा हाँ कर। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? अरे जनता देखो देखो ये सब मिले हुए, मैं तो आम आदमी हूँ जी। भाग गई तुम्हारी जनता। एक तो हमारी आवाम को भड़काते हो और हमारी भोली भाली आवाम आपके भड़कावे में आकर हमें गलत समझती है। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे और कैद खाने की हवा खिलाओ। ले जाओ इसे। अरे मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ जी। आम आदमी।